अभी हम आ पहुँचे दोस्तों समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से 351 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ की वर्किंग प्रोग्रेस अभी आप देख सकते हैं। ये एक साइड का जो रास्ता है ये हमें बना हुआ दिख रहा है, दूसरी साइड का अभी एक लेयर बनना बाकी है। तो यहाँ पर आपके इस दोस्त ने, साथी ने पार किया है समृद्धि महामार्ग का जो टोटल डिस्टेंस है उसके 50% का फासला। तो आधे तक हम अभी आ पहुँचे दोस्तों समृद्धि महामार्ग पर। 345 से लेकर 350 तक जो पहाड़ी एरिया में हमें डेड एंड मिला था उसके वजह से हमें घूम कर आना पड़ा। तो फिर मैं सावर गांव माड़ करके गांव है वहां गया बुल्ढाना ज़िले में। उसके बाद एक घाटी लगी, घाटी को पार करते ही हमें लगा जालना ज़िला, और अभी हम हैं जालना ज़िले में। तो वहाँ पे एक नावा करके गाँव है, वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेके हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं 351 किलोमीटर की दूरी पर। और अभी देखते हैं आगे रास्ता कहाँ तक बना है, चलिए चलते हैं। तो अभी हम आ पहुँचे हैं समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से 352 किलोमीटर की दूरी पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आजू बाजू में ये अंगूर के बागान दिख रहे हैं, अंग्रेजी में शायद इसे वाइन यार्ड कहते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, क्योंकि खेती के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, फिर भी अपनी तरफ से जो भी मुझे समझ में आता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक हॉट मिक्स प्लांट है कंपनी के मटेरियल के लिए, जहाँ पर रोड़ा बनाया जा रहा है। गूगल मैप में मैं आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों, तो चलिए। तो गूगल मैप के हिसाब से हम यहाँ हैं दोस्तों, थ्री फिफ्टी टू किलोमीटर की दूरी, और आगे कड़वंची करके गांव है। गूगल मैप हमारी ये लोकेशन बता रहा है अभी, और यहाँ से जालना करीब 20-25 किलोमीटर होगा ऐसे अंदाज़ा है मुझे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये हम अभी आ पहुँचे हैं 353 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर एक बड़ा सा अंडरपास बन रहा है, ये देखिए। और आगे का रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो अच्छी वर्किंग प्रोग्रेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों। मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी कंपनियों का, सभी मजदूर भाई बहनों का, और हमारे MSRDC का इतना खूबसूरत रास्ता बनाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं और एक कदम आगे। और अभी हम आ पहुँचे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 354 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे भी रास्ता बना हुआ दिख रहा है थोड़ी दूरी पर। तो ये है 354 का लैंडमार्क, और ये खड़ी है अपनी बजाज प्लैटिना, जानदार सवारी, शानदार सवारी। तो काफ़ी अच्छी वर्किंग प्रोग्रेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही दोस्तों। चलिए इस जगह की गूगल मैप पर लोकेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, गूगल मैप के हिसाब से हम अभी यहाँ पर है जालना से थोड़ी दूरी पर, और यह है 354 किलोमीटर की हमारी लोकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये हम आ पहुँचे अभी समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से 355 किलोमीटर की दूरी पर। आप देख सकते हैं लैंडमार्क, और यहाँ की वर्किंग प्रोग्रेस कुछ इस प्रकार है दोस्तों।
दोनों लेन जो है ये आगे हमें जाना है। दोनों लेन लगभग लगभग बन चुके हैं इस सेक्शन में। तो चलिए लेते हैं मेरे पार्टनर के साथ एक सेल्फी यहाँ पर। तो 355 किलोमीटर की दूरी पर गूगल मैप हमारी लोकेशन ये बता रहा है दोस्तों, 355 किलोमीटर। और यहाँ से आगे मैंने आपको बताया है करीब करीब 1 किलोमीटर तक रास्ता बना ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 356 किलोमीटर की दूरी पर एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू है दोस्तों। यह है 356 किलोमीटर की दूरी का नज़ारा। तो हमें चलना है अभी आगे। और अभी हम आ पहुंचे हैं 357 किलोमीटर से थोड़ा आगे, आधा किलोमीटर आगे। ये देखिए यहाँ पर लैंडमार्क आपको दिख रहा है, 357 प्लस 450 मतलब 357 किलोमीटर से आधा किलोमीटर थोड़ा आगे हम आ पहुँचे दोस्तों। और यहाँ की वर्किंग प्रोग्रेस जो है दिल को सुकून देने वाली दिख रही है, काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर रास्ता बन चुका है। और ये देखिए कंपाउंड वॉल की भी यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही है। दिल को सुकून मिलता है इतना अच्छा रास्ता देखकर। दोस्तों ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। यह है समृद्धि की समृद्धि और आप इसे देख रहे हैं ये रास्ता शुरू होने के पहले। बहुत कम लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते आगे। और ये हम अभी आ पहुँचे दोस्तों समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से 360 किलोमीटर की दूरी पर, 360 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समृद्धि महामार्ग। और यहाँ तक जो रास्ता है, जैसा कि हमने पिछले 357 के आगे से लेके, वो पूरा अच्छी तरह से बन चुका है, इसलिए बीच के किलोमीटर का प्रोग्रेस मैंने आपको नहीं दिखाया। चलिए देखते हैं गूगल मैप में एग्जैक्ट हमारी लोकेशन क्या है 360 किलोमीटर पर। तो गूगल मैप के हिसाब से अगर देखते हैं तो हम जालना के करीब करीब आ पहुँचे हैं। थोड़ी दूरी पर हमें जामवाड़ी करके गांव लगेगा। ये है हमारी 360 किलोमीटर की लोकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।